हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। होप यू ऑल आर गुड। फ्रेंड, इस समय हम लोग हैं घर के बाहर और शुरुआत करते हैं अपने आज के व्लॉग की। मम्मी तो वहां पर बैठ करके भाई के साथ कर रहे हैं फोन पे बात और इस समय धूप के साथ साथ चल रही है अच्छी खासी हवा। दो गुलहड़ के फूल खिल गए। आजकल सही हो गया, इसमें फूल खिलते रहते हैं। इधर भी खिल रखे थे लेकिन ये सूख गए। दो इधर खिले थे वो सूख गए। बारी बारी से खिल रहे हैं, एक ही बार में पूरे नहीं खिल रहे। अभी पौधा छोटा है ना, जब बड़ा हो जाएगा तब जा कर के होंगे एक साथ। ये है गोपुलू की बैठने की जगह। इतने ऊंचाई में बैठता है गोपुलू। गोपू, ए गोपू। और हम लोगों के बिजलू महाराज से मिले। हमारा बिजलू महाराज चीयर में, ये देखो, इसको मालूम चल गया कि मैं आ गई हूँ, इसीलिए हिलना डुलना शुरू। ये तो हाथ भी नहीं लगाने देगी, कितनी चौकनी। अगर देखना मैं इसको हाथ लगाऊंगी तो कैसा करेगी ये। माऊ, ये देखो कितना डर रही है, इसीलिए इसको टच भी करना नहीं हुआ। सो जा, चल सो जा, सो जाओ। एक यहाँ सो रहा है, एक वहाँ सो रहा है। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपना आज का टेलरिंग का काम, बिकॉज हो चुका है टाइम टेलरिंग स्टार्ट करने का। तो आज मैं करूँगी सिर्फ दो ही काम और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगने वाला है इसमें, क्योंकि एक तो मुझे ये वाले पैंट की लेंथ छोटी करनी है क्योंकि ये काफ़ी लंबी हो रखी है। तो बस इसको थोड़ा सा काट देती हूँ सबसे पहले, और उसके बाद वहाँ पर जो कुर्ती रखी हुई है इसको फिटिंग करना है। तो जितना इसको फिट करना है उस हिसाब से उसमें भी निशान लगा लेंगे। तो जब इन दोनों में कटिंग का काम हो जाएगा उसके बाद से निकालती हूँ मशीन, उसके बाद सिलना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो इसको काटने कुटने का काम करते हैं ये वाला पैंट को, और उसके बाद फिर उसमें निशान लगाते हैं। गोगुलू उठ गई खाना खाने के लिए। यहीं पर बिजलू के लिए भी रखा रहता है और यहीं पर इसके लिए भी रखा रहता है। बस दूध पिया इसने और वहाँ पर बैठ गए, और यहाँ पर चल रहा है मेरा टेलरिंग का काम। तो फ्रेंड्स, इसमें निशान लगा दिया है, इस लाइन पर इसे काटेंगे और इस लाइन पर सीलेंगे। तो यहाँ पर से इस पे कट लगाना शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस समय बजने वाले हैं शाम के 7 और अभी मैं हूँ घर के बाहर और अब जा करके भर रहे हैं पानी, क्योंकि ध्यान ही मेरा मशीन का काम करने लग गई थी तो कपड़े सिलते सिलते भूल गई कि भैया पानी आने का भी टाइम हो चुका है। तो देखो 7 बजने वाले, इसलिए पानी भी स्लो हो चुका है और अभी तक अंदर पानी नहीं भर रखा है। स्टोर कर लेते हैं फटाफट से पानी, इतना स्लो आ रहा है तो फटाफट कहाँ से करेंगे, टाइम तो लगेगा ही। और ये देखो गोपू को, गोपूलू कैसे इंतज़ार कर रहा है कि भाई कब अंदर जाए और म्याऊं म्याऊं शुरू करेगा। फिर उसे बहुत भूख लगती है, वो खाना मांगने के लिए आ रखी है। क्या दिखाई से। तो फ्रेंड्स, फाइनली पानी भी भर गया है, बाहर टब भी भर चुका है और अंदर भी पानी स्टोर कर दिया। और देखो गोपूलू को किस तरीके से दरवाजे पर बैठा हुआ है। ये तो यहाँ पर बैठी है और बिजलू अंदर गैलरी में ही सोया हुआ है। दोनों के दोनों इंतजार में है कि इनको दूध चाहिए, क्योंकि तो दूध के इंतजार में दोनों के दोनों। और क्योंकि यहाँ पर भर गया है पानी तो कर देते हैं नल बंद और चलते हैं अंदर। आ गया बिजलू की भी आवाज़, बिजलू का भी सब्र का बांध टूट गया है। आ गया बिजलू, क्योंकि बिजलू आ गई यहाँ पर, इसीलिए गोपूलू ने किचन की ओर को दौड़ लगा दी। अब यहाँ पर बैठ गया है बिजलू का, जाने का टाइम हो रहा है। जाने से पहले बिजलू को खिला पिला देंगे कुछ। चलो तुम दोनों को खिलाते पिलाते हैं। लो भाई, हो गया इन लोगों को खाना खाने के टाइम पर। गोगुली वहाँ पर पी रही है दूध और ये यहाँ पर दूध भात खा रहा है, वो भी छोड़ दिया उसने, वो सिर्फ विस्कस के वजह से। इसको पता है खाना नहीं खाया जाता है इससे, इसको विस्कस देना पड़ता है तब जा करके खाता है। उसमें से भी विस्कस ढूंढ ढूंढ करके खाएगा। अब गोगुली को चाहिए भात। अब देखो गोगुली को दे रखा है, अभी तक गोगुली दूध पी रही थी, अब दूध भात खा रही है। ये नहीं जाती है बेड में, इसको बेड में बैठाओ तो पर भी ये भाग जाती है वहाँ पर से। बिजलू तो चला गया खा पी करके, अब इसकी बारी है।
वैसे ये नहीं जाती है, ये घर पर ही रहती है। चलो भाई यार, इन लोगों का तो करा दिया है खाना पीना सब, अब अपना मशीन का काम दोबारा से करते हैं स्टार्ट। और अब धीरे धीरे करके अंधेरा भी होने लग गया, तो यहाँ पर कपड़े धो करके सूखने के लिए रख रखे थे, हालांकि सूखे तो नहीं है, तो पर भी लेकर के चलते हैं इनको अंदर, क्योंकि अब बाहर होने वाला है अंधेरा, तो टाइम से लेकर के अंदर ही रख देते कपड़े को। अब कल सुबह फिर से रख देंगे धूप में सूखने के लिए, तो फिलहाल तो ले चलते हैं कपड़े अंदर। बिजलू चला गया है और गोपुलू जाने की तो कोशिश कर रहा है, बट पता नहीं किस चीज से डर रहा है, दो बार बाहर आकर के वापस अंदर चला गया है। जाना तो चाह रहा है लेकिन जा नहीं रहा है। क्या हो गया गोपुलू, जाना है तुझे भी? सोच तो रहा है जाने की लेकिन जा नहीं रहा है। आ गई फाइनली बाहर। दूध पी के चली? दूध तो पहले पिला दिया था इसको और बिजलू को। जाना है तेरे को गोपुली? आज बहुत उल्टे काम कर रही थी ये। गोपुलू का भी ड्रामा स्टार्ट हो गया। गोपुलू क्या हो रहा है ये, और डरती कितनी है? गोपू गोपू, ये गोपू तो गोपू जैसा ही हो रखा है। गोपू गोपू जैसा हो रहा है, कितने मच्छर लग रहे हैं यहाँ पे। ए गोपुली, ये भी घुर घुर कर रही है भाई। गोपुली, इसको भी ऐसा करना अच्छा लगता है। भाई तू तो बाहर रह, मैं जा रही हूँ अंदर। गोपू मैं जा रही हूँ। फ्रेंड्स बज चुके हैं रात के 8:30 और हम लोगों का डिनर भी हो चुका है रेडी, तो अभी हम लोग भी कर लेते हैं अपना डिनर और मैं भी करूंगी अपना आज का ब्लॉग यहीं पे क्लोज। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स एंड शॉर्ट्स पसंद आ रहे होंगे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे ब्लॉग्स एंड शॉर्ट्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स मेरे ब्लॉग्स रोज शाम को 7:30 पे आएंगे, तो कीप वॉचिंग। मिलते हैं बहुत जल्द कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।